नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। यदि आपने पोस्ट ऑफिस की बीमा पॉलिसी यानी PLI या RPLI ले रखी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी PLI अपने मोबाइल ऐप से ही भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पोस्ट इम्पो ऐप डाउनलोड करनी होगी। यह पोस्ट इम्पो ऐप भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक ऐप है, तो यह बिल्कुल सेफ है। इससे आप आसानी से PLI, RPLI का प्रीमियम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट इम्पो ऐप को खोलना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंश्योरेंस पोर्टल। इंश्योरेंस पोर्टल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद में ये पेज आपके सामने ओपन होता है। इस पेज के अंदर तीसरा ऑप्शन होता है पेमेंट्स। जब आप पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पॉलिसियाँ होगी वह पॉलिसियाँ दिखने लग जाएगी। तो इसमें से जिस पॉलिसी का पेमेंट आप करना चाहते हैं उस पॉलिसी पे आपको जहाँ पॉलिसी नंबर दिख रहे हैं उस पे आपको क्लिक करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आप कितना ही ले सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी, और उसके बाद में आपको क्लिक करना है कंफर्म पेमेंट पे। कंफर्म पेमेंट के ऊपर आप पेमेंट चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारे ही ऑप्शन अब मिलने लग गए हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन ले सकते हैं। यदि आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग ले सकते हैं। यदि आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट के अंदर जैसे आप HDFC बैंक का पेज़ैप होता है, जियो मनी होता है, ओला मनी होता है, या फोन पे वगैरह होता है, तो उनसे भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको UPI ऑप्शन लेना पड़ेगा, जो कि सबसे नीचे होता है। UPI के अंदर देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, और इसके अलावा भी कोई UPI ID से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ की UPI ID पूछी जाएगी। जैसे यदि आप गूगल पे का जो भी आपका UPI ID है वो UPI ID आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट मनी पे। जब आप रिक्वेस्ट मनी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, उसको आपको इग्नोर करना है। उसके बाद यदि आप गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो गूगल पे का एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, जैसा अभी दिखा आपको। तो यहाँ पर सीधा इस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी गूगल पे की ऐप आपको खुलेगी, जिसके अंदर आपको पिन डालना है, और पिन डालने के बाद में इस प्रकार का एक मैसेज आपको आएगा। इस मैसेज के अंदर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे UPI पासवर्ड मांगे जाएंगे। UPI पिन डालने के बाद में पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर शो भी कर देगा। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में वापस आपको पोस्ट इम्पो ऐप पर जाना है। आप 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यदि पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुल का आपके पास मैसेज आ जाएगा, और हाथों हाथ रसीद नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।